शिक्षा विभाग के लाख सख्ती के बावजूद भी अधिकारी और शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर की सनहौला थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय तिलवाड़ा की है, जहां स्कूल के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेश्वर पांडे का नवनियुक्त शिक्षकों के साथ मटन पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानाध्यापक शीला कुमारी और वर्तमान प्रधानाध्यापक समानंद सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे निपटाने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेश्वर पांडे स्कूल पहुंचे थे, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवनियुक्त शिक्षकों के साथ स्कूल में ही मटन पार्टी करने में व्यस्त हो गए, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस दौरान स्कूल परिसर में गांव वालों की भीड़ लग गई। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। देख लीजिए पूरे ग्रामीण सब लोग, ये स्कूल है, तलवरा स्कूल है, यहाँ पे ये लोग खस्ती और मटन का पार्टी कर रहे हैं हमारे बीओ साहब, क्योंकि एक यहाँ पे आज एक शिक्षिका को, प्रधान शिक्षिका को मार लगा है, इसी के लिए ये लोग पार्टी मना रहे हैं। हाँ जाइए ना, हल्ला नहीं कर रहे हैं, आप खाइए, हम हल्ला नहीं कर रहे हैं, आप खाइए आराम से। अभी अभी जो मामला आ रहा है, स्कूल में मध्याह्न भोजन बना हुआ है, फिर भी यहाँ के मास्टर लोग, जो भी है गेस्ट लोग जो भी आए हैं, यहाँ मीट चावल बना के खा रहे हैं, क्या ये उचित है सर? ये नहीं खा रहे हैं, नए शिक्षक जो आए हैं ना, जी जी जी, आपस में नया यहाँ ज्वाइन किया है, उस एथी में आपस में वो अपना बनाकर खा रहे हैं। जी जी, मतलब प्रावधान है कहीं से? क्या प्रावधान है? क्या अपना पर्सनल कर सकता है, उसमें कोई प्रावधान की बात है? स्कूल का चीज नहीं खाना चाहिए, स्कूल का चीज नहीं खाना, लेकिन स्कूल में ही चल रहा है भोजन, कहाँ तक अपने स्तर से करवाए हैं? दूसरे दूसरे जगह के लोग हैं, जी जी, अगर उन लोगों की इच्छा हुई कुछ ना, गाँव का स्कूल में पहले बात सुन लिए, टिफिन में नाश्ता पानी लोग मंगा कर खाता है, कुछ कुछ बनवा कर, और स्कूल में भी अलग उसकी इच्छा हुई तो अपने पैसे से खाएगा, मध्याह्न भोजन का पैसा से नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो भोजन मध्याह्न भोजन के जो भी रसोईया बना सकती है सर? रसोईया बनावे, रसोईया तो मान लीजिए मध्याह्न भोजन बनाने के बाद में रसोईया से बहुत काम लोग ले लेता है, कुछ साफ सफाई भी करवा देता है। सनहौला प्रखंड के मध्य विद्यालय तिलवारा, जो अब अपग्रेडेड होकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट हो गया है, वहाँ पर यह मामला प्रकाश में आया कि फुल फ्लेजर HM उनको ऐसे कि पूर्व के जो कार्यकारी HM थे प्रभार नहीं दे रहे थे, उनसे ऐसे परीक्षा भी की गई थी पूर्व में, परीक्षा का जवाब नहीं देने की वजह से उन्हें ऐसे निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है। साथ में ही उस विद्यालय में एक और घटना घटी है, जिस पर ऐसे कि वर्तमान के प्रधानाध्यापक और अभी वर्तमान में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे भी स्पष्टीकरण किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर भागलपुर के चिकित्सकों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें नमन किया। चिकित्सकों ने शहर के कचहरी चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान चिकित्सकों ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की आजादी में अहम योगदान है, लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट भागलपुर की ओर से तमाम दर्शकों का, News 18 के तमाम आयोजक दर्शक और जो भी सुन पा रहे हैं उनको आज बहुत बहुत नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिसे हम लोग सभी जानते हैं, आज उनके पुण्यतिथि है 15 दिसंबर को। इस आशय को लेकर ये तमाम जितने बुद्धिजीवी वर्ग भागलपुर के हैं, तमाम जितने भी आप स्वयं सेवी संस्थाओं को जानते हैं, उनके सारे प्रतिनिधि, मित्रगण, प्रबुद्ध लोग आज समय सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स, महिला चिकित्सक डॉक्टर सीमा सिंह मेरे साथ हैं और आनंद भाई मेरे साथ हैं, जो कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, सबों का बहुत बहुत। BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अंतिम दिन भागलपुर की सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। जिला प्रशासन की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिस बलों की नियुक्ति की गई थी। परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षा केंद्र से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को काफी कठिन बताया। अभ्यर्थियों ने कहा कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, हार्ड क्वेश्चन होने की वजह से परीक्षा देने में थोड़ी परेशानी हुई। तरह का क्वेश्चन बहुत हार्ड था, क्या करे सर, सारा CL छुट्टी जो खत्म कर दिए, काम वाली को रखे, सास भी कभी काम नहीं करती थी, फिर भी काम की, फिर भी कोई काम नहीं आया था। इस तरह का सिविल सेवा से भी ज्यादा क्वेश्चन टफ था इसमें, मैक्सिमम कट ऑफ 55 के आसपास रहेगा UR वालों के लिए। तो कट ऑफ क्या जाएगा? UR वालों के लिए 55 और BC वालों के लिए 50 के आसपास रहेगा। ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह के समझिए, टफ था क्वेश्चन बहुत।
अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रामलला के नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। इस भव्य कार्यक्रम में राम भक्तों को आमंत्रित करने अक्षत कलश यात्रा अंग क्षेत्र के भागलपुर शहर पहुंच चुका है, जिसके स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए शहर में अक्षत कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली। अयोध्या रामलला मंदिर से आए अक्षत कलश का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। अयोध्या से अक्षत कलश भागलपुर पहुंचते ही चारों तरफ भक्तिमय माहौल हो गया। शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर अक्षत कलश की आरती उतारी और पूजा अर्चना किया। साथ ही साथ ढोल नगाड़े और फूलों की वर्षा के साथ यह शोभा यात्रा निकाली गई। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में सबसे पहले अक्षत कलश की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद शोभा यात्रा ढोल नगाड़े के साथ शहर के कई चौक चौराहों तक ले जाया गया। पूरा शहर केसरियामय हो गया और लोगों ने जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और शहर के सैकड़ों लोग दर्शन के लिए मौजूद थे। पूरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे राम के मंदिर का अक्षत हम सबों का आमंत्रण के रूप में आया है। उस आमंत्रण के स्वागत के लिए पूरा भागलपुर सनातन लंबी सबके राम, सबरी के राम, सबके राम, सबने इनका स्वागत किया है और भाव विभोर हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस राम मंदिर के आस में 592 वर्ष तक का एक सबरी का जो सब्र है उसका इंतजार किया, वो समाप्त होने जा रहा है और हम रामलला का मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों को प्रसन्नता है और पूरा भागलपुर नहीं पूरा भारत प्रसन्नता का यह जो उमंग है वो हमारे चेहरे पर हमारे चीजों में दिख रही है और पूरा भागलपुर सराबोर है। आमंत्रण स्वीकार है और आमंत्रण को लेकर हम लोग घूम रहे हैं। जय श्री राम। घर घर अक्षत जाएगा, आमंत्रण पत्र जाएगा, भगवान राम का चित्र जाएगा और सबको रामलला ने बुलाया है। 22 के बाद पूरा बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आज के युवाओं को बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होती जा रही है, जिसके चलते युवा किसी भी बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो आत्महत्या का रास्ता लगातार अपना रहे हैं। इसकी रफ्तार काफी तेज हो गई है। ताजा मामला भागलपुर की उर्दू बाजार स्थित शिवगंगा कॉलोनी की है। उर्दू बाजार लेन शिवगंगा कॉलोनी में पिंटू कुमार के लॉज में रहने वाले एक छात्र ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान बांका जिला अंतर्गत बौसी के रहने वाले प्रमोद मांझी के पुत्र गुलशन कुमार के रूप में हुई है। मृतक यहां लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। वहीं मौके पर ततारपुर थाना और विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई, साथ ही FSL की टीम भी जांच प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं थाना के द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई। सर हमको ये सब पता नहीं था सर, तू दुकान पर आके आए अपना 11:30 बजे यहाँ आके देखे, 7-8 को लड़का यहाँ पे खड़ा था, वहाँ लोग बोला कि नहीं वहाँ फांसी लगा के मर गया। हमको लगा गया अभी जस्ट सिर्फ फांसी लगा लटका होगा, इसीलिए हम तुरंत को जाके उसका रस्सी हम पकड़े, लड़का बोले तू रस्सी शरीर पे कर दो जल्दी से, हो सकता है अभी नहीं मरा हो। हम सर इतना डरे हुए हैं सर, उसके बाद फिर ये ये कब की घटना है? ये सर 11:30 बजे सर, हम 11:30 बजे गांव में, अब कब हुआ सर पता नहीं, ये कब हुआ हमको पता नहीं, लेकिन 11:30 बजे हम इसको देखे सर। तो ये लड़का क्या नाम है जो कुमार सर? कहाँ का रहने वाला? ये मौसी का सर। अच्छा, तो रस्सी आप ही काटे थे? नहीं, कटवाए थे सर। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। आप कौन है? आप पिंटू कुमार यादव, लॉज का ओनर है सर। लॉज का ओनर है।
भागलपुर के एक स्थानीय होटल में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मैं भी केजरीवाल मुहिम की शुरुआत की गई। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। वहीं अब कार्यकर्ताओं को डर लग रहा है कि शराब घोटाले में केजरीवाल भी कहीं जेल ना चले जाए। इसको लेकर जिला कमेटी के द्वारा मैं भी केजरीवाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सुदूर इलाके से लेकर शहरों में आम आदमी पार्टी के नेता को झूठे मामले में फंसाया जाने की बात कही जाएगी। वहीं शराब घोटाले में लगातार हो रही कार्रवाई से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं सहमे हुए हैं और अब अपने नेता के समर्थन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे बैठक में शामिल हैं, इसका मेन मकसद है कि केजरीवाल साहब को भी संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की तरह जेल ले जाने की तैयारी है। उसी के लिए हम लोग ने मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत ब्लॉक ब्लॉक, पंचायत पंचायत जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि ये तानाशाह सरकार, केंद्रीय सरकार हम लोग को किस तरह हमारे शीर्ष नेतृत्व को कुचल के रख देना चाहती है और इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे और हम लोग लोगों में अपनी बात को सर्कुलेट करेंगे कि और उनको कन्विंस करेंगे कि ये हम लोग को फर्जी शराब घोटाले में तंग किया जा रहा है और जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब पुरजोर तरीके से इलेक्शन में देगी। राजनीतिक क्रांति से निकले हुई पार्टी है, हम लोगों के अंदर डर की बात नहीं है। डर तो उन्हें है, तभी तो हमारे ही पार्टी के सीनियर साथियों को बारी बारी से वो जेल डालना चाहते हैं कि किसी तरह दिल्ली हम ले लें। दिल्ली की जनता उन्हें जिता नहीं रही है, इसलिए हमारे पास MCD भी आ गया, दिल्ली सरकार भी पिछले 3 बार से जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि शायद हमारे सीनियर नेताओं को जेल में डालकर और वो दिल्ली में सरकार तोड़कर अपना दिल्ली में स्थापित होना चाहते हैं, तो ये सपना उनका कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इसलिए डर उनको है कि वो बार बार हम पर बड़े नेताओं को जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तैयारी है तुम्हारा? तैयारी ये है कि हम लोग पूरे देश में, आप सब जानते हैं कि इस मुल्क में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है और यही बौखलाहट है मोदी जी की और भाजपा की। इसीलिए हम लोग जिस तरह से पंजाब में बेहतर काम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, तो हम बिहार में भी, चूँकि हम लोग बिहार से हैं, बिहार की मिट्टी से हैं, तो बिहार में जो सपनों, हमारे सपनों का बिहार हो, वो उसी तरीके से हो, जहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ को रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और साथ में सुगम वातावरण हो, जैसे हमने दिल्ली में काम किया उसे बिहार में काम करना है। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग पंचायत में जा रहे हैं, प्रखंड में जा रहे हैं और हर जगह हमारा जो संगठन है पूरे बिहार में यह अभियान चल रहा है, मैं भी केजरीवाल, और इस अभियान के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं और आने वाले 25 के चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से दस्तक देंगे। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व हमेशा हम पर प्रहार कर रही है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन शराबबंदी और नशीले पदार्थ से दूर रहने के लिए एड़ी चोटी एक कर छापेमारी कर रही है, फिर भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा। ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक मोहल्ले यतीम खाना गली में SIT टीम व स्थानीय थाना ततारपुर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मोहल्ले की समाज सेवी महिला इंदु देवी के घर से 77 बोतल नशीली दवा कोरिक्स बरामद की गई। ततारपुर थाने के द्वारा छापेमारी में 77 बोतल नशीली दवा व कौशल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ गुरुवार को भागलपुर पहुंचा। यह रथ जिले में 14 दिसंबर से 25 दिसंबर 2023 तक विभिन्न शहरी स्थानों में जाएगा व वहां केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी लोगों को उपलब्ध कराएगी। साथ ही इस दौरान कैंप का आयोजन भी शहर के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। भागलपुर में संकल्प यात्रा की शुरुआत RBS सहाय रोड भीकनपुर गुमटी नंबर 3 से हुई, जहां स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर विनोद कुमार मिश्रा, इस यात्रा की नोडल पदाधिकारी पार्वती के, नगर निगम के सिटी मैनेजर विनय यादव के अलावे स्वास्थ्य विभाग, FCI, इंडिया पोस्ट, यूके बैंक के प्रतिनिधि भी वहां कैंप लगाकर मौजूद थे। इस मौके पर स्मार्ट सिटी भागलपुर के नगर प्रबंधक विनय यादव ने बताया कि संकल्प यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके, इसको लेकर है। कार्यक्रम जो है सो भागलपुर नगर निगम शहरी क्षेत्रों में 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का जो है सो रूट प्लान आया है, जिसमें हमारा विकसित भारत कार्यक्रम का यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसका प्रथम दिन आज है
और हम लोग अभी भागलपुर नगर निगम के RBSS रोड भिखनपुर में उपस्थित हैं। यहाँ पे कार्यक्रम निर्धारित है, हमारा वैन जो है स्टेट लेवल से प्रोवाइड किया गया है, स्थल पर पहुँच गई है। इसमें पांच तरह की योजनाओं को जो है लाभु को लाभान्वित करना है इस कार्यक्रम में। पहला है PM स्वनिधि योजना, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड और आधार अपडेशन। ये पांच योजनाएं हैं जिसका कैंप हम लोग जो है बगल में जो है लगाए हैं। कैंप में सारे जो है एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं और यह कार्यक्रम जो है सो निर्धारित समय या निर्धारित डेट में जो है सो प्रारंभ कर दी गई। वहीं भागलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की नोडल पदाधिकारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पार्वती के ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से अधिक लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जान सकेंगे और इसमें लगने वाले कैंप के माध्यम से सरकार की योजनाओं का वो लाभ भी ले पाएंगे। विभिन्न योजनाओं के बारे में बताने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये अर्बन एरिया का जो वाहन है वो यहाँ भागलपुर में पहुँच गए हैं। ये आज से 25 तक यहाँ पे नगर निगम के विभिन्न भागों में इसका जो प्रचार करेंगे, इसमें शॉर्ट वीडियोज़ दिखाए जाएंगे क्या क्या योजनाएँ हैं इसके बारे में, और आप लोग यहाँ पे आके इस पर विभिन्न कैंप्स भी होगा तो उसमें भी आके अपना जो आधार अपडेशन है वैसे उस तरह का है तो उसमें भी आप लोग अपना लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस पर इसको एक अच्छे से इसका यूज़ कर लीजिए। वहीं इस मौके पर पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि मोदी सरकार की योजनाओं से उन लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। छोटा छोटा लोन लेकर वे लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, मोदी सरकार के द्वारा PM स्वनिधि योजना वेंडर लोन के लिए जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो ठेला लगाते हैं उनके लिए ये मतलब कि एक कैंप है उनको जागरूक करने के लिए। जो मिला उसके बारे में हम लोगों को मतलब वेंडर से हम जान रहे हैं कि उनको क्या लाभ मिला, ठीक है, और उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि आपको ये सरकारी योजना का लाभ लेना है। और मतलब कि सरकार द्वारा जो हम लोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है काम आगे बढ़ने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में ये कैंप में जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप क्या चीज़ रोजगार से जुड़ी हुई हैं? हमारा सर दुकान है, कब मतलब कि ठेला तो नहीं है लेकिन हमारा दुकान है, लेकिन हम ठेला जो लोग लगाते हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको लोन दिलवाने के लिए भी काम करते हैं। बहुत सारे वेंडर हैं जिनको पैसा मिला हुआ है, 10,000 का लोन मिला है, फिर नगर निगम में कैंप लगा के उनका 20,000 के लोन के लिए आवेदन दिया गया, उन लोगों को 20,000 के लिए लोन भी मिला बहुत लोगों को। तो सब लोग पैसा लेके सरकार से योजना से लाभ लेके अपना दुकान कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है उन लोगों को, जो पापड़ बड़ी बनाते हैं। हाँ, और हम SSG के तरफ से, और जो महिला घर में रह के भी काम कर रही हैं वो अपना रोजगार, जैसे घर में पापड़ बड़ी अचार ये सब मतलब कि घरेलू उद्योग को भी कर रही हैं। हम आपको बताते चले कि विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा 22 दिसंबर तक भागलपुर के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर जाएगी। उसके बाद 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, पीरपैंती, कहलगांव व नगदशा के अलग अलग क्षेत्रों में ये रथ लोगों तक पहुंचेगी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णगढ़ मोड़ के समीप पिकअप वैन और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुल्तानगंज के गनगनिया से अपने भाई प्रभात कुमार के साथ BPSC शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णिया जा रही थी, तभी कृष्णगढ़ मोड़ के पास सड़क हादसा हो गया। मृतक के भाई प्रभात ने बताया कि BPSC शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए सुबह 4 बजे घर से निकली थी। सुल्तानगंज स्टेशन से ट्रेन पकड़कर पूर्णिया परीक्षा देने के लिए जाती, इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वैन ने रौंद दिया। घटना के बाद पिकअप वैन के चालक मौके से फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मृतक युवती की पहचान गनगनिया निवासी रमाकांत मंडल के 41 वर्षीय पुत्र नीलम कुमारी के रूप में की गई है। नीलम घर में सबसे बड़ी थी, वो BPSC शिक्षक की तैयारी कर रही थी। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया, मालिक का पता लगाया जा रहा है। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहां जाती है? पूर्णिया। पूर्णिया, एग्जाम्पल। क्या नाम है जिसका एक्सीडेंट? नीलम कुमारी। कितने भाई बहन हैं? 3 भाई 2 बहन। शादी नहीं हुई थी? नहीं, बड़ी बहन गई थी। किस चीज़ का एग्जाम देने गए थे? BPSC टीचर का, 10+2 का।
कितना उम्र होगा लगभग? 41। भाई बहन में सबसे बड़ी थी या छोटी? बड़ी थी। घर कहाँ बताए? गनगनिया। गनगनिया। पिताजी का नाम? रामा।